स्टीव जॉब्स, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश, एप्पल के संस्थापक से जानिए सफलता पाने के मूल मंत्र। यदि हम किसी से पूछें कि आधुनिक इतिहास में सबसे बड़ा बिजनेस इनोवेटर कौन है, एक ऐसा इनोवेटर जिसने कभी भी क्वालिटी से समझौता नहीं किया, जिसके व्यवसाय प्रबंधन, नवाचार, इनोवेशन और भविष्य देखने की अंतर्दृष्टि ने मोबाइल और कंप्यूटर की दुनिया को बदल कर रख दिया, तो एक ही नाम सामने आएगा, स्टीव जॉब्स। इसका सबसे बड़ा कारण है कि स्टीव प्रौद्योगिकी की अग्रणी और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक एप्पल के संस्थापक थे, जो स्टीव जॉब्स की अतुलनीय सोच का आईना है। इस लेख में हम चर्चा करेंगे स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी। स्टीव जॉब्स पर यह अमेरिकी बिजनेस मैग्नेट और एप्पल इंक के संस्थापक स्टीव जॉब्स की अधिकृत बायोग्राफी है। इसे जॉब्स के अनुरोध पर CNN और टाइम के पूर्व कार्यकारी वॉल्टर इसाकसन द्वारा लिखा गया था, जिन्होंने बेंजामिन फ्रैंकलिन और अल्बर्ट आइंस्टीन की बेस्ट सेलिंग आत्मकथाएं भी लिखी हैं। हम उनके जीवन के कुछ सबसे प्रेरक प्रसंगों और सफलता के फॉर्मूले के साथ साथ स्टीव की जिंदगी की सीख का पता लगाएंगे, जिसने उनकी अभूतपूर्व सफलता की बुनियाद रखी। स्टीव को करीब से जानने के बाद वॉल्टर इसाकसन ने स्टीव के मिनिमलिस्टिक, मिनिमलिस्ट और परफेक्शन के मंत्र को अपनाते हुए इस 400 पृष्ठ की बायोग्राफी का शीर्षक आई स्टीव द बुक ऑफ जॉब्स से बदलकर सिर्फ स्टीव जॉब्स कर दिया। आमतौर पर बिजनेस गुरु और मार्केट लीडर्स व्यवसाय में सफलता के लिए बरहिया नेटवर्किंग और बडेढ़ी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाने के बारे में आपको बताते हैं, लेकिन स्टीव जॉब्स में लीक से हटकर आउटसाइड द बॉक्स सोचने और अपने आसपास के लोगों को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मोटिवेट करने की क्षमता थी। उनके द्वारा अपनाई गई इनोवेटिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी, मिनिमलिस्टिक डिजाइन और समय से आगे की इंजीनियरिंग ने एप्पल इंक को विश्व का अग्रणी ब्रांड बना दिया। जीवन की सीख। इनोवेशन डिस्टिंग्विशेस बिटवीन अ लीडर एंड अ फॉलोअर। स्टीव जॉब्स का मानना था कि इनोवेशन एक लीडर और एक फॉलोअर में अंतर बताता है। स्टीव जॉब्स ने नए विचारों के साथ नए डिजाइन का निर्माण जारी रखा, जिससे उन्हें व्यापार में बढ़त मिली। उनका मानना है कि डिजाइन सिर्फ वही नहीं है जो दिखता है और जैसा लगता है, डिजाइन का मतलब है यह कैसे काम करता है। स्टीव जॉब्स हमेशा पूर्णता की खोज के लिए जाने जाते थे। किसी भी उत्पाद बनाने के प्रति उनका दृष्टिकोण सरल था, त्रुटिहीन उत्पाद ही एकमात्र उत्पाद हैं जो उपभोक्ता के हाथ में होने चाहिए। इस सोच की शैली को व्यवसाय के सभी पहलुओं पर लागू किया जा सकता है। सीधे शब्दों में कहें, कुछ ऐसा न बेचें जो आप खुद नहीं चाहते। स्टीव जॉब्स को अब तक के सबसे सफल उद्यमियों में से एक माना जा सकता है। वह आम लोगों के लिए तकनीक के माध्यम से दुनिया बदलना चाहते थे। उनका कहना है कि अलग और तरीन प्रोडक्ट बनाने के लिए हमेशा याद रखें कि आप अपने लक्ष्य को कैसे हासिल कर रहे हो। हमेशा आगे बढ़ाने के लिए अवसरों को ढूंढते रहो, ताकि स्वयं का निर्माण कर सको। कभी कुछ भी पीछे न छोड़ दें। जो कुछ भी करने की आप कोशिश कर रहे हैं, उसे पाने की लगातार कोशिश करते रहें। अधिकांश लोगों का मानना है कि संपूर्णता की खोज उनकी निरंतर आवश्यकता थी, जिसने उन्हें अपने लक्ष्यों पर दृढ़ रहने के लिए प्रेरित किया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा अपने बाद यादगार विरासत छोड़ने की इच्छा थी, जिसने सब कुछ बदल दिया। स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। स्टीव की सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है कि सफलता के लिए हमेशा भूखे रहो और सीखने के लिए हमेशा तैयार रहो। इस बात की व्याख्या हमेशा उत्सुक रहने के रूप में की जा सकती है। नई चीजों को आजमाने के लिए तत्पर रहें या अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए तैयार रहें के रूप में की जा सकती है। यह हमें सिखाता है कि कभी भी बढ़े और बेहतर लक्ष्यों का पीछा करना बंद न करें। हम में से बहुत से लोग एक आरामदायक जीवन, अच्छी तनख्वाह के आदि हो जाते हैं और एक जैसे रूटीन के बीच अपनी मूल प्रेरणा खो सकते हैं। जब स्टीव जॉब्स को उनकी कंपनी से निर्वासित कर दिया गया था, तो उन्हें इतना मुआवजा मिला था कि वे एक धनवान व्यक्ति के रूप में सेवानिवृत्त हो सकते थे। लेकिन उन्होंने अपने इनोवेशन जारी रखे और अपने कुछ दोस्तों के साथ नेक्स्ट इंक की स्थापना की, जिन्होंने एप्पल को भी छोड़ दिया था। यह जीवन मंत्र बताता है कि कभी भी बड़ी और बेहतर चीजों का पीछा करना बंद न करें। स्टीव जॉब्स की सफलता का श्रेय उनके द्वारा सीखे गए जीवन पाठ, लाइफ लेसन्स को दिया जा सकता है, जिसमें प्रतिकूल परिस्थितियों को दूर करने और कठिनाई में जुनून खोजने के तरीके शामिल हैं। 1985 में एप्पल के निदेशक मंडल के भीतर अन्य हाई प्रोफाइल हस्तियों के साथ कई असहमतियों के बाद स्टीव ने एप्पल में अपना इस्तीफा सौंप दिया,
जिस कंपनी को उन्होंने बनाया, इस मुकाम पर पहुंचाया, उसी से उन्हें हटना पड़ था। उस समय व्यापार जगत में यह ख्याल आम था कि यह स्टीव जॉब्स का अंत निकट है और ऐसा लग रहा था कि अब उनका करियर लगभग समाप्त है। परंतु 10 साल में ही उनकी सोच के बिना एप्पल बंद होने की कगार पर पहुंच गई और एप्पल बोर्ड ने स्टीव को वापस लाने का फैसला लिया। स्टीव एक दशक से अधिक समय के बाद फिर से लौट आए थे। 1977 में एप्पल द्वारा नेक्स्ट के अधिग्रहण के बाद जॉब्स एप्पल के सीईओ बने। उन्होंने 1997 में थिंक डिफरेंट विज्ञापन अभियान के साथ आईमैक, आईट्यून्स, आईट्यून्स स्टोर, एप्पल स्टोर, आईपॉड, आईफोन, एप स्टोर के लिए अग्रणी उत्पादों की एक श्रृंखला विकसित करने के लिए डिजाइनर जॉनी ईवे के साथ मिलकर काम किया। 2001 में मूल मैक ओएस को पूरी तरह से नए मैक ओएस एक्स, अब मैकोस के रूप में जाना जाता है, के साथ बदल दिया गया था, जो नेक्स्ट के नेक्स्ट स्टेप प्लेटफॉर्म पर आधारित था, जिससे ओएस को पहली बार एक आधुनिक यूनिक्स आधारित नींव दी गई थी। थिंक डिफरेंट एडवर्टाइजिंग कैंपेन को आज भी बिजनेस स्कूल्स में केस स्टडी के तौर पर बताया जाता है कि कैसे उन्होंने विपरीत परिस्थितियों पर विजय प्राप्त की और निरंतर सफलता प्राप्त की। उन्होंने साबित किया कि विफलता भी प्रोडक्टिव होती है और उससे सबक लेकर सफलता पाना संभव है। यह बिल्कुल ऐसा है जिसे हम सभी अपना सकते हैं, अपना 100% देना जारी रखें। आज बिजनेस की गलाकाट प्रतिस्पर्धा में शिखर पर बने रहना सबसे मुश्किल काम है। एक बार सफल प्रोडक्ट बनाने के बाद हमें उसे और बेहतर के लिए सोचना और काम करते रहना चाहिए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि कैसे एप्पल ने अपने सभी प्रतिस्पर्धियों पछाड़ते हुए शिखर पर बने रहने के लिए संघर्ष किया। स्टीव ने पहला आईफोन 2007 में जारी किया था और उस समय इसे ओएस 1.0 सॉफ्टवेयर के साथ फोन उद्योग में एक माइलस्टोन माना जाता था। वहां से कंपनी ने हर साल कम से कम एक नया फोन लाने के लक्ष्य पर ध्यान दिया। निरंतर नवाचार innovation.com करना और अपनी क्षमता की सीमाओं को आगे बढ़ाना एक मंत्र है जो एप्पल ने स्टीव की मृत्यु के बाद भी जारी रखा और न केवल आईफोन की कई जनरेशन को जारी किया है, बल्कि नए आईपॉड्स, एबी मैक्स, आईपैड्स, यहां तक आईवॉच को भी अपडेट करते रहे। हर साल सितंबर में इन नए प्रोडक्ट्स की लॉन्चिंग का सिलसिला अब भी जारी है। पैशनेट रहें। स्टीव का एक और सबक है कि आप जो करते हैं उसके बारे में पैशनेट रहें। सफल होने के लिए आप जो काम कर रहे हैं उसके बारे में पैशनेट होना महत्वपूर्ण है और ये एक ऐसी चीज है जिसने एप्पल को सर्वश्रेष्ठ बनाया। स्टीव ने सर्वश्रेष्ठ के लिए कभी समझौता नहीं किया। उन्होंने अपने काम के हर पहलू में पूर्णता के लिए प्रयास किया, एक ऐसा व्यवसाय बनाने का दृढ़ संकल्प किया जिस पर उन्हें गर्व हो। अपने गैरेज में कंप्यूटर के साथ करियर की शुरुआत से लेकर एक कंपनी की सहस्थापना तक, जिसकी कीमत अब 200 बिलियन से भी अधिक है, स्टीव ने एप्पल को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए हर दिन बहुत मेहनत की। यहां तक कि 2011 में अपनी मृत्यु से एक दिन पहले तक वह कंपनी के लिए काम कर रहे थे, अपने काम के प्रति अपना अटूट समर्पण दिखा रहे थे। उनका मानना था कि उच्च गुणवत्ता के लिए आप जो काम कर रहे हैं उसकी परवाह करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपनी बायोग्राफी में बताया है कि उन्हें परफेक्शन की सीख अपने पिता से मिली। स्टीव बताते हैं कि मेरे पिता सही काम करना पसंद करते थे। उन्होंने उन हिस्सों के लुक की भी परवाह की जिन्हें आप नहीं देख सकते थे। एप्पल के किसी भी प्रोडक्ट में स्टीव जॉब्स के पिता की यह सीख देखी जा सकती है। अपने अंतिम दिनों में कैंसर का पता चलने पर उन्होंने अपनी आसन्न मृत्यु पर विचार करते हुए बेहद महत्वपूर्ण सीख दी थी। द पीपल हु आर क्रेजी इनफ टू थिंक दे कैन चेंज द वर्ल्ड आर द वंस हु डू। उन्होंने कहा था कि जो लोग पागलपन की हद तक मानते हैं कि वे दुनिया को बदल सकते हैं, वही ऐसा कर सकते हैं। ध्यान रखिए, आपका पास सीमित समय है, इसलिए इसे किसी और का जीवन जीने में बर्बाद न करें। दूसरों की राय के शोर से अपनी आत्मा की आवाज को डूबने न दें और सबसे महत्वपूर्ण, अपने दिल और अंतरात्मा की बात मानने का साहस रखें। जॉब्स को 2003 में पैंक्रियाटिक न्यूरोएंडोक्राइन कैंसर का पता चला था। 5 अक्टूबर 2011 को 36 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। व्हाई आई किल्ड गांधी बाय नाथुराम गोडसे इंट्रोडक्शन। नाथुराम गोडसे, ये नाम तो सबने बहुत सुना है, लेकिन नाथुराम गोडसे है कौन और क्या वजह थी कि उसने गांधी जी जैसे नेता को मारा? उसके रिलीजियस और पॉलिटिकल व्यूज क्या थे? क्या कभी गोडसे को अपने किए का पछतावा हुआ था? आपके मन में भी ये सारे सवाल उठे होंगे, तो आइए हम बताते हैं कि इन सारे सवालों के जवाब आपको इस बुक में मिलेंगे।
इस बुक में आप वो लास्ट स्टेटमेंट भी पढ़ेंगे जो गॉडसे ने अपने डेथ सेंटेंस से पहले दिया था, जो उसने 5 मई 1949 को पंजाब हाई कोर्ट में दिया था। 30 जनवरी 1948 में गॉडसे ने गांधी को गोली मारी थी और इसके अगले ही साल फरवरी में उसका कोर्ट ट्रायल शुरू हो गया था। गॉडसे और उसके कैंप ने पंजाब हाई कोर्ट के सामने माफी की अपील रखी थी, लेकिन अपील रिजेक्ट कर दी गई। कोर्ट ने उसे डेथ बाय हैंगिंग यानी फांसी की सजा सुनाई थी और इस बुक में उसके कुछ आखिरी शब्दों को समेटा गया है, व्हाई आई किल्ड गांधी। मैं एक रिलीजियस ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुआ था। बचपन से ही मुझे हिंदू धर्म और सनातन धर्म के इतिहास और कल्चर की सीख मिली थी, लेकिन मैं खुद को एक फ्री थिंकर मानता था, हालांकि हिंदुइज्म में मेरा गहरा यकीन था। बड़े होने पर मैंने RSS ज्वाइन किया और एंटी कास्ट मूवमेंट से जुड़ गया था। मैं छुआछूत को खत्म करना चाहता था। मेरा मानना था कि हिंदुओं को उनके जन्म के आधार पर नहीं बांटना चाहिए। मेरा मानना था कि सारे हिंदू इक्वल है, इसलिए आपस में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सबको इक्वल राइट और अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। कोई जात छोटी या बड़ी नहीं है। मैं एंटी कास्ट डिनर्स और मीटिंग्स अटेंड करता था। हर जाति के लोग इन मीटिंग्स में हिस्सा लेते थे। भंगी, चमार, वैश्य, क्षत्रिया और ब्राह्मण कास्ट के लोग एक साथ मिलकर खाना खाते थे। मैंने एंशियंट और मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री पढ़ी थी। मैंने गोखले, तिलक, रावण, चाणक्य और विवेकानंद जैसे कई महान लोगों की किताबें भी पढ़ी हैं, और मैंने अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड का क्लासिक लिटरेचर भी स्टडी किया है। मार्क्सिज्म और सोशलिज्म में भी मेरा इंटरेस्ट रहा है। सबसे बढ़कर मुझे वीर सावरकर और गांधी जी की टेक्निक्स इंस्पायर करती है, और मुझे लगता है कि इन दोनों महान लोगों ने बीते 30 सालों में मुझे और मेरे जैसे कई करोड़ भारतीयों को काफी हद तक इन्फ्लुएंस किया है। इनके आइडियाज हमारे देश के करोड़ों लोगों के दिलो दिमाग में गहराई से बस चुके हैं। मैंने जो कुछ भी सीखा उससे मुझे लगता है कि मुझे हिंदू धर्म और अपने हिंदू भाइयों और बहनों की सेवा करनी चाहिए। हम सब मिलकर 300 मिलियन हिंदू हैं। हम इस दुनिया की 1/5 आबादी में आते हैं, और इसलिए मेरा मानना है कि सभी हिंद लोगों की भलाई और हिफाजत के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। मैंने खुद अपना जीवन हिंदू संगठन आइडियोलॉजी को समर्पित कर दिया है। मेरे एक ही लक्ष्य है और वो है अपने मदरलैंड, अपनी माँ भारतीय की आजादी को बचाए रखना, और मुझे लगता है कि इंसानियत को बचाने का यही एक तरीका है। कांग्रेस पार्टी में 1920 में गांधी जी का दबदबा काफी बढ़ गया था जब लोकमान्य तिलक का देहांत हुआ। उस वक्त कांग्रेस पार्टी और पूरे देश में गांधी जी का इन्फ्लुएंस था। उनकी पब्लिक एक्टिविटीज ने उन्हें एक ग्रेट लीडर के तौर पर एस्टेब्लिश कर दिया था। लोग उन्हें बहुत मानते थे। सत्य और अहिंसा के बारे में कही गई उनकी बातों ने आम जनता पर एक गहरा असर किया था। दिन ब दिन उनके फॉलोअर्स बढ़ते ही जा रहे थे। गांधी जी ने जो सत्य और अहिंसा की बात की थी उससे हर कोई एग्री करता था। हालांकि इस सत्य और अहिंसा के बारे में लोग पहले भी जानते थे, लेकिन ये सब सिर्फ किताबी बातें थे। मैं नहीं मानता कि एक आम इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन बातों को जरा भी अहमियत देता होगा। बल्कि सच तो ये है कि बात अगर खुद की या अपने परिवार की हो तो इंसान किसी और को तकलीफ देने में जरा भी नहीं हिचकिचाएगा। तो इसमें गलत भी क्या है? हर कोई पहले खुद का भला सोचता है, फिर दूसरे का। अगर कोई हमारे साथ गलत करे तो उसका जवाब देना ही होगा। रामायण में राम ने सीता को बचाने के लिए रावण को मारा था। महाभारत में कृष्ण ने कंस का वध किया था। अर्जुन ने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को मारा था क्योंकि वो उसके दुश्मन के साथ खड़े थे। अगर गांधी के हिसाब से राम, कृष्ण और अर्जुन गलत थे तो इसका मतलब कि वो इंसान की काबिलियत पर शक कर रहे हैं। अब हिस्ट्री को ही देख लो। अफजल खान हिंदुस्तान में मुस्लिम राज स्थापित करना चाहता था, लेकिन छत्रपति शिवाजी ने उसका यह सपना कभी पूरा नहीं होने दिया। अगर शिवाजी पूरी ताकत से उसका मुकाबला नहीं करते तो शायद खुद अफजल के हाथों मारे जाते। लेकिन गांधी जी शिवाजी, गुरु गोबिंद सिंह और महाराणा प्रताप को क्रिटिसाइज करते हैं। उनका मानना है कि इन ग्रेट फाइटर्स को वायोलेंस का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए था, लेकिन मैं तो गांधी जी को वायोलेंट समझता हूं, जो खुद एक पैसिफिस्ट है। सच और अहिंसा के नाम पर उन्होंने इस देश को मुसीबत में डाला है। हर हिंदुस्तानी को शिवाजी, प्रताप और गुरु गोबिंद जैसे महान नायकों की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि असल में इन्हीं लोगों की वजह से हमें आजादी मिली है। पिछले 32 सालों से गांधी जी जो आंदोलन कर रहे हैं, खासकर उनका प्रो मुस्लिम फास्टिंग, ये मुझे इस बात का यकीन दिलाता है कि उन्हें तुरंत पॉलिटिक्स छोड़ देनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया,
अफ्रीका में उन्होंने हमारे हिंदुस्तानी दोस्तों के लिए जो कुछ भी किया उसकी मैं तारीफ करता हूँ। वहाँ के हिंदू कम्युनिटी के लोगों की कंडीशन इम्प्रूव करने में गांधी जी का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन उनके इंडिया लौटने के बाद से हमारे देश में काफ़ी कुछ बदल चुका है। मुझे लगता है कि गांधी जी शायद ये समझते ही कि सही क्या है और गलत क्या है, इस बात का फैसला सिर्फ वो कर सकते हैं। अगर लोग उन्हें लीडर मानने से इनकार कर दे तो वो कांग्रेस छोड़कर अपने रास्ते चले जाएंगे। हमें ऐसे लीडर की जरूरत ही क्या है? उन्होंने कांग्रेस को दो चॉइस दी, या तो उनके हिसाब से चलो और उनका पागलपन, उनकी जिद और सनक झेलो, या फिर उनके बिना कांग्रेस पार्टी चलाओ। गांधी जी को लगता है वो हर किसी के और हर चीज का फैसला अकेले कर सकते हैं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन के पीछे उन्हीं का दिमाग है। उन्हें बहुत बड़ी गलतफहमी है कि उनके जैसा काम कोई नहीं कर सकता और सब लोग उन्हीं के कहने पर चलते हैं। उनका मूवमेंट चाहे फेल हो या सक्सेस हो, देश को तो उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मगर उन्हें भला क्या फर्क पड़ने वाला है, वो तो बस यही बोलेंगे, सत्याग्रह कभी फेल नहीं हो सकता। लोग उन्हें संत समझते हैं, इसीलिए उनकी हर बात मानने को तैयार हो जाते हैं। उनके ऊंचे विचारों और सादगी की वजह से लोग पता नहीं क्यों उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। गांधी एक के बाद एक गलती करते रहे, उनके लिए फैसलों ने इस देश के फ्यूचर को खतरे में डाला है, एक बार नहीं बल्कि कई बार। इसमें जरा भी शक नहीं कि वो एक प्रो मुस्लिम लीडर है। ये बात उन्होंने तभी जाहिर कर दी थी जब उन्होंने हिंदुस्तानी को नेशनल लैंग्वेज बनाने की सिफारिश की थी, जबकि असल में तो हिंदी भाषा ही हमारी नेशनल लैंग्वेज होने का हक रखती है। शुरुआत में गांधी ने भी हिंदी को सपोर्ट किया था, लेकिन जब उन्हें लगा कि मुस्लिम्स इस बात बुरा मान सकते हैं तो वो खुद को हिंदुस्तानी भाषा का चैंपियन बताने लगे। और ये बात तो हर इंडियन जानता है कि असल में ऐसी कोई भाषा है ही नहीं, ना तो हिंदुस्तानी की कोई वोकैबुलरी है और ना कोई ग्रामर। ये सिर्फ बोली जाती है, लिखी नहीं जाती। ये बेहुदा सी बोली है जिसमें हिंदी और उर्दू मिक्स है। खुद को मुसलमानों का सगा दिखाने के लिए गांधी ने हिंदुस्तानी को प्रमोट किया और उनके चाहने वाले चमचों ने भी। अगस्त 1946 की शुरुआत से ही मुस्लिम लीग और इसकी प्राइवेट आर्मीज ने कई सारे हिंदुओं को मारा। उस टाइम के वाइसरॉय लॉर्ड वावेल मजबूर हो गए थे। रेप, मर्डर और लूटमार की वारदातों को रोकने के लिए वो अपनी पावर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का यूज नहीं कर पा रहे थे। बंगाल से लेकर कराची तक हिंदुओं का खून बहाया जा रहा था, उन्हें बेरहमी से कत्लेआम किया जा रहा था, औरतों के साथ बलात्कार हो रहे थे। मुस्लिम लीग ने उस वक्त की इंटरिम गवर्नमेंट की धज्जियां उड़ा दी थी, लेकिन मुस्लिम्स ने जिस तरह से हिंदुओं के साथ गद्दारी और दोगलापन किया था, उतना ही गांधी ने उन्हें सपोर्ट किया। लॉर्ड वावेल को रिजाइन करना पड़ा क्योंकि अब सिचुएशन उनके कंट्रोल से बाहर हो चली थी। उसकी जगह लॉर्ड माउंटबेटन आया, मतलब कि नागनाथ गए तो सांपनाथ आए। इंडियन कांग्रेस के गले में फंदा था। मरते क्या ना करते, कांग्रेस ने चुपचाप जिन्ना के सामने घुटने टेक दिए और पाकिस्तान को मंजूरी दे दी। ला, ये एक बहुत जरूरी स्टेप है। मैंने ये सॉल्यूशन खुद निकाला है। मैं अपने एक्शंस की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। मैं जिस बात पे यकीन रखता हूँ उसे मैंने जी जान से पूरा किया। जनवरी 1948 को उस दिन बिरला हाउस में गांधी पर मैंने ही गोली चलाई थी। मेरे निशाने पे वो इंसान था जिसके उसूलों और कारनामों ने देश के करोड़ों हिंदुओं की जिंदगी से खिलवाड़ किया था। ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके तहत गांधी को उसके किए की सजा मिले, इसलिए ये काम मैंने अपने हाथ में ले लिया। मैं गवर्नमेंट में किसी एक पर इल्जाम नहीं लगा रहा, बल्कि मुझे इस पूरे इंस्टीट्यूशन पर ही भरोसा नहीं है। कांग्रेस की पॉलिसीज हमेशा एक तरफ आ रही है और इन्होंने कभी भी हिंदुओं के साथ न्याय नहीं किया। कांग्रेस ने हमेशा मुस्लिम्स की तरफदारी की और इसके पीछे भी गांधी का ही हाथ है, इसमें जरा भी शक नहीं। मुझे अफसोस है कि प्राइम मिनिस्टर नेहरू के भाषण और एक्शन एकदम बेबुनियादी है। वो बोलते हैं कि इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है, तो फिर उन्होंने पाकिस्तान बनने की मंजूरी कैसे दे दी जो एक थियोक्रेटिक स्टेट है, क्योंकि गांधी के मुस्लिम प्रेम ने ही नेहरू के लिए रास्ता आसान कर दिया था। मैं आज कोर्ट के सामने अपना जुर्म कबूल करता हूँ और इसकी जो भी सजा मुझे मिलेगी मुझे मंजूर है। मुझे किसी की दया नहीं चाहिए और ना मैं किसी और से अपने लिए दया की उम्मीद करता हूँ। मुझे अपने किए का कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से मैंने जो किया ठीक किया। लोग चाहे मेरी कितनी भी बुराई करें, मुझे फर्क नहीं पड़ता।
और मुझे उम्मीद है कि इतिहास लिखने वाले ईमानदार लोग मेरे इस फैसले की तारीफ करेंगे और आने वाले कल में इसकी अहमियत को समझेंगे। चल कोयोटा, कंक्लूजन। ये नाथूराम गौडसे की ऑटोबायोग्राफी थी जो आपने पढ़ी। आपने इस बुक में पढ़ा कि नाथूराम गौडसे मरने से पहले क्या मैसेज देना चाहता था। गौडसे एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता था और एक डिवोटेड हिंदू था। धर्म और राजनीति को लेकर उसमें अपने स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस थे। तो आपके एक कातिल के अंदर झांकने का मौका मिला जो हिंदू धर्म को सबसे ऊपर मानता था। अब ये आपके ऊपर है कि आप नाथूराम गौडसे के बारे में क्या सोचते हैं। उसने सही किया या गलत, इसका फैसला सिर्फ रीडर ही कर सकता है। क्या आप नॉन वायोलेंस चूज करोगे या उस चीज को जी जान से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करोगे जो आपको सबसे ज्यादा प्यारी है।